हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिजवान लतीफ़ और आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें मैंने कुछ सीड्स मंगवाए हैं। ये सीड्स डिफरेंट फ्लावर्स के हैं, तो आइए जल्दी से पैकेट को ओपन करते हैं और देखते हैं कि कौन से फ्लावर्स के ये सीड्स हैं, कहां से मैंने मंगवाए हैं और ये किस सीज़न के हैं। तो आइए पैकेट को ओपन करते हैं। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि ये एक TCS का फ्लेयर मौजूद है और इसमें सीड्स मौजूद हैं। ये मैंने अभी देख सकते हैं कि ये खोला नहीं है, तो इसको अभी हम ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन से सीड्स हैं। ये मैंने कैंची की मदद से इसको काट लिया और ये एक पैकेट आप देख सकते हैं कि सीड्स का मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उसकी जो बिल है, जो मैंने सीड्स मंगवाए हैं वो उनके, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जो सीड्स हैं किस टाइप के हैं, वो सारे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये सारे मैं यहाँ पे रख के आपको दिखा देता हूँ कि ये कौन कौन से सीड्स हैं। ये 10 किस्म के सीड्स हैं और मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपको पैकेट नज़र आ रहा है, तो ये होली हाफ मिक्स के सीड्स हैं। ये तकरीबन हमें ऐसे ही नज़र आता है जिस तरह पेटूनिया होता है। और दूसरे नंबर पे ये मैरीगोल्ड इंसा है जिसके बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं। और फिर उसके बाद ये बेलिस मोन्स्ट्रोसा नज़र आ रहा है जिसको हम इंग्लिश डेसी भी कहते हैं। फिर उसके बाद मॉर्निंग ग्लोरी, ये मुख्तलिफ, ये सारे मिक्स हैं, तो ये मुख्तलिफ कलर्स के यहाँ पे हैं, बड़े खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं। और यहाँ पे ये जो है ये भी मैरी गोल्ड है, अफ्रीकन है, इसको क्रैकर जैक कहते हैं। इसके इस तरफ अगर हम आ जाएं तो ये यकीनन आप जानते हैं पेंसी जाइंट्स, थोड़े बड़े फूल होते हैं ये, तो ये मिक्स हैं। और उसके बाद निमिसिया के ये सीड्स हैं। और उसके बाद वर्बेना, इसके बाद पेटूनिया ड्राफ्ट, मुख्तलिफ इसमें कलर्स के मौजूद हैं। और बैचलर बटन, ये सीड्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैं अब आपको बताता चलूँ कि ये जो सीड्स हैं ये सारे के सारे मौसम सरमा के हैं। लेकिन मैंने हैप्पी सीड्स कि ये वेबसाइट पे जाके जब देखा तो मुझे सीड्स ये अवेलेबल थे, तो मैंने कहा कि अभी मैं ये सीड्स जो है मंगवा लेता हूँ, क्योंकि बाद में फिर पाँच दफ़ा ये सीड्स मिलते नहीं हैं, अन अवेलेबल होते हैं जब सीज़न आ जाता है। तो पिछली दफ़ा भी मैं सीड्स नहीं लगा सका था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंस्ट्रक्शन की वजह से वो सारा जो मेरा गार्डन है या
जो क्यारियाँ हैं वो सारी डिस्टर्ब हो गई थी। तो इंशाल्लाह ये मेरे पास सीड मौजूद रहेंगे और जो ही मौसम सरमा की सीडलिंग होगी तो मैं ये सीड लगाऊंगा और आपको इसकी वीडियो बना के पूरी डिटेल से आपको दिखाऊंगा कि कैसे सीडलिंग की जाती है। तो अगर आप ये सीड मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके हैप्पी सीड्स की शॉप से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इनकी जो कास्ट है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ तकरीबन कुछ 80 रुपीज़ के हैं और कुछ 100 रुपीज़ के हैं, सिवाय मैरी गोल्ड इन सके। बाकी इनके जो सर्विस चार्जेस हैं TCS के वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 150 हैं, तो रीज़नेबल प्राइस है। मैंने फर्स्ट टाइम ये सीड्स हैप्पी सीड्स .com से मंगवाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और इन फ्यूचर भी मैं इनसे सीड्स मंगवाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जी फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये सीड्स एक अच्छी पैकिंग में हैं और इसके अंदर जो सीड्स हैं वो भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इनके अंदर जो सीड्स हैं उनकी जो क्वालिटी है वो इस तरह हाथ लगाने से थोड़ी सी बेहतर महसूस हो रही है। तो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।